ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 11 जनवरी 1969। बेहद का बाप क्या कर समझाते हैं। कौन है बेहद का बाप? आत्माओं का बाप भी बेहद का बाप है, जो अकेला नहीं समझा सकता। मनुष्य आत्माओं के बाप में प्रवेश करके दोनों बेहद के बाप इकट्ठे होते हैं, तो आकर के समझाते हैं, क्योंकि बाप टीचर रूप में जो भी बताते हैं वो समझाना पड़े। टीचर का काम ही है समझाना, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। तो बाप अपना बताते हैं, शिक्षा भी देते हैं और पवित्र बनने की शिक्षा भी देते हैं, पवित्र बनाते भी हैं। राजाई पद पाने के लिए शिक्षा देते हैं। तो बाप सहज रीति अपना परिचय समझाते हैं और है भी बड़ा सहज। पहले बाप का परिचय और बाप के वर्षे का परिचय देना पड़ता है, क्योंकि बेहद का बाप है तो बेहद के बाप का वर्षा भी बेहद का है। हद के बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, तो बेहद के बाप से जो वर्षा मिलता है उस वर्षे का भी परिचय देना पड़े, क्योंकि आप ही नहीं समझ सकेंगे कि बेहद के बाप का बेहद का वर्षा क्या है। बेहद का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति, और एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। कहे से दुख दर्दों से, कहे कहे के दुख बड़े दुख होते हैं। जैसे जन्म लेते समय बच्चा रोता है, माँ भी दुखी होती है, रोती है, तो जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख, इन दुखों से बेहद का बाप कितने जन्मों के लिए छुड़ाए देते हैं? 21 जन्मों के लिए छुड़ाए देते हैं। और फिर जीवन मुक्ति भी देते हैं, क्योंकि मुक्ति तो उस स्टेज का नाम है जहां आत्मा देह के दुखों से छूट जाती है, देह ही छूट जाती है। मुक्ति धाम में आत्मा मुक्त रहती है, सुख धाम में भी दुख दर्दों से मुक्त रहती है, लेकिन जीवन मुक्ति उस मुक्ति का नाम है कि जीवन भी रहे, लाइफ भी रहे और दुखों से छुटकारा भी मिले। तो बेहद के बाप से जरूर ये बेहद का वर्षा मिलेगा। और ये भी जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान बच्चे होंगे वो इस बात को समझेंगे कि ये बेहद का वर्षा है। बाप क्या वर्षा देते होंगे,
एक तो घर का भी वर्षा देते हैं, वर्षा तब देते हैं जब पहले आत्मा का परिचय देते हैं। तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, तो आत्मा का घर भी चाहिए। आत्मा का घर है शांति धाम, आत्मा का घर शांति धाम है जो बाप का घर है, तो घर का भी वर्षा देते हैं। सब बच्चों को साथ में ले जाएंगे, कोई को भी छोड़ेंगे नहीं। फिर राजाई का भी वर्षा देते हैं, परंतु देते उनको हैं जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं। कोई ऐसे हैं जो पढ़ाई पढ़ते ही नहीं, तो प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में तो जरूर आवेंगे, परंतु मुख्य तो है स्वर्ग की बादशाही। तो पवित्र दैवी संप्रदाय बनना पड़े, तब ही राजधानी में आ सकते हो। पवित्र नहीं बनेंगे, देवताई संप्रदाय के नहीं बनेंगे, तो देवताई राजाई में भी नहीं आ सकते, राजधानी में भी नहीं आ सकते। बाकी डायनेस्टी कहा जाता है राजाई को, और राजाई में सभी नहीं आ सकते। पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है, जो ऊंचे से ऊंचे अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो ऊंचे से ऊंचे पद पाते हैं। अब जो जितना पढ़ेगा दूसरों को पढ़ावेगा उतना ही ऊंचे पद पावेगा। पढ़ेगा की निशानी क्या है? जो पढ़ेगा वो दूसरों को भी जरूर पढ़ावेगा। अभी देखो इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब स्वर्ग का मालिक तो राजा रानी सब कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक हैं, वहां तो यथा राजा तथा प्रजा। तो देखो स्वर्ग के मालिक बनना और नर से नारायण बनना, ये फर्क हो गया ना। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे 21 जन्मों में भी, लेकिन नर से नारायण सिर्फ 21 जन्म में बनेंगे, सिर्फ एक से एक जन्म में बनेंगे। तो ये फर्क हो गया ना, क्योंकि ये तो राजा ही के मालिक हैं, वो है बेहद का बाप, उनको स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। तो हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही जरूर लेंगे। ये स्वर्ग की बादशाही ही बाप का वर्षा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। फिर जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। राजाई के लिए पुरुषार्थ, तो राजाई पद के लिए भी पुरुषार्थ। सत्युग की राजाई तो सभी को मिलती नहीं है, जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ पर ही प्रारब्ध का मदार रहता है, ये तो बच्चे जानते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतना पावेंगे। ये भी जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं, तो पुरुषार्थ भी वो करेंगे, जरूर राज की बातें सीखेंगे। और बादशाही किस प्रकार मिल सकती है, उनसे कम पद कैसे मिलता है और जास्ती पद कैसे मिलता है, वो भी तुम बच्चे ही समझते हो। यहां तो बताया गया है अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे तो
तो तमो प्रधान से सतो प्रधान सोना बन जावेंगे। अगर अपन को आत्मा ही नहीं समझेंगे, देह समझेंगे, तो आत्माओं का बाप तो याद आवेगा नहीं, और ही देह के संबंधी याद आते रहेंगे। फिर सतो प्रधान तो बन न सके आत्मा। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए प्योर सोना चाहिए, याद से ही बनेंगे और राजाई भी मिलेगी। जैसे यहां कहते हैं हम भारत के मालिक हैं, अब मालिक तो सभी बनेंगे, फिर मालिक आने में पद भी तो होते हैं ना, पद क्या पावेंगे? क्योंकि ये पढ़ाई है, सब एक जैसी पढ़ाई तो पढ़ते नहीं है, पढ़ाई पढ़ने में नंबरवार है। गीता में पढ़ाई की बात नहीं लिखाई है, दिखाते नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई, नाम रख दिया गीता मंदिर। अब गीता मंदिर बने हैं तो जरूर गीता पाठशाला बनाई होगी ना, परंतु उन्होंने लड़ाई दिखा दी है, अब पढ़ाई हुई नहीं, लड़ाई दिखा दी, तो क्या लड़ाई के बाद पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ाई के बाद तो फिर स्वर्ग में हमारा पद बनेगा। तो अभी संगम पर तुम पढ़ते हो, सत्युग में राजाई करेंगे। बच्चे जानते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, गीता में भी राजयोग की बात आई है कि नरसे नारायण कैसे बने, बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से हम पावन बनते हैं। जब हम पावन बन जावेंगे तो हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं होगा। हमारे जो भी पुनर्जन्म होंगे वो राम राज्य में होंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं राम राज्य में जाने के लिए, समझते हैं पढ़ते पढ़ते अगर कहां भूल कर दी, क्योंकि भूल भी तो हो जाती है ना, जब तुम देवता बन जावेंगे तो भूल नहीं होगी। देवताओं से भूल थोड़ी ही होती है, किससे होती है? मनुष्यों से भूल होती है। तो बाप कहते हैं मन मना भव और फिर मध्याजी भव, पहले मन मना भव बाद में मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ भी समझाया, क्या अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। मन मना भव बन जावेंगे तो की निशानी क्या होगी? तुम जो भी कर्म करेंगे वो सारे ही कर्म बाप के अर्थ होंगे। मध्याजी भव, मेरे में यजन करने वाला भव, अर्थात जो भी कर्म कर मेरे लिए कर। बच्चे जानते हैं अभी तो कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग शुरुआत जरूर होगी, जरूर आवेगा। अभी राजयोग सीखते हैं तो स्वर्ग में तो जावेंगे जरूर, क्योंकि बाप संगम युग पर ही आकर के बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहां बेहद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, बेहद की विश्व की बादशाही पाने के लिए। और हद की बादशाही तो इस हद की दुनिया की हद की पढ़ाई से मिलती है, मिल सकती है, परंतु बेहद की बादशाही तो नहीं मिलेगी। बेहद की बादशाही पाने के लिए बेहद का बाप चाहिए, बेहद का टीचर चाहिए। तुम अभी जानते हो हम नई दुनिया के लिए मालिक बनेंगे, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। तो तुमको खुमारी चढ़ जाती है
बरोबर पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया बच्चों को याद आती है, पुरुषार्थ भी बच्चे करते हैं, नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये सब पुरानी दुनिया में कोई प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही करते हैं। जाते हैं स्वर्ग में तो बच्चों को जरूर खुशी होगी, स्वर्ग की बादशाही माना ही स्वर्ग का मालिक बनना। तो सभी बच्चों के दिल में है स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं और पढ़ाए करके ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऊंचते ऊंच सत्यों के राजा रानी बनते हो। बाप जानते हैं कि हम बच्चे राजा रानी बनेंगे। राजा रानी बनने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, इसका नाम ही है राजयोग। राजयोग द्वारा ही राजा ही मिल सकती है। वहां तो उस दुनिया में युद्ध करते हैं फिर राजा ही लेते हैं। पहले युद्ध की कला सीखते हैं, तलवार सखाना चलाना सीखेंगे, ढाल तलवार चलावेंगे, तीर कमान चलावेंगे, फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं, फिर राजाई मिलती है। कौन की है हिंसक राजाई, और बाप देते हैं तुमको अहिंसक राजाई। राजयोग के द्वारा ही मिल सकती है। जिस राजयोग की पढ़ाई से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, उस हिंसक पढ़ाई से, हिंसक लड़ाई से दुनिया में कोई विश्व का बादशाह तो नहीं बन सका। उस बादशाही में पवित्रता सुख शांति भी नहीं है, और बाप जो बेहद की बादशाही देते हैं उसमें पवित्रता सुख शांति भी है। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, और बेहद की बादशाही सत्यों को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कि इस बाबा में शिव बाबा पधारे हैं, वो है ऊंचते ऊंच। कौन, ये बाबा या वो बाबा? ऊंचते ऊंच कौन है? वह बाबा जो पधारा है, बाप कहो, आत्माओं का बाप। लेकिन जब इसमें पधारा है तो हम उसको शिव बाबा कहें या शिव बाप कहें? शिव है? पधार गया ना शरीर में, तो शिव बाबा। तो जो हमको पढ़ाते हैं और जो शिव बाबा पधारे हैं इस बाबा में, वो ऊंचते ऊंच है। तो जरूर नई सो पुरानी दुनिया, पुरानी सो नई दुनिया स्थापन होती है। स्वर्ग में एक ही राजधानी होती है, समझ में आता है कि वहां एक ही महाराजा होगा, बाकी ये सभी राजाइयां खत्म हो जाएंगी। जो जिस घर के होंगे वो वहीं जाकर के अपने सेक्शन में बैठेंगे, कहां? परमधाम में। क्योंकि जानते हो कि नंबर बार सिजरा होता है, सिजरा एक जैसा तो होता नहीं है। परमधाम में भी आत्माओं के सिजरे बने हुए हैं ना, नंबर बार जरूर बैठेंगे। बुद्धि में बरोबर सत्य की लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ही ऊंची होगी। स्टूडेंट्स जो भी होते हैं सब नंबर बार होते हैं, और उन सभी की अपनी अपनी बैठक होती है। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, कहाँ? परमधाम में भी नंबर बार, और आना भी नंबर बार, और फिर इस दुनिया में आने के बाद पद भी नंबर बार। अब वहां जाएंगे तो भी वहां की बैठक ऊंची होगी। तो सभी स्टूडेंट्स की बैठक अपनी अपनी,
एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। बाप ने समझाया है कि आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है उसी अनुसार ही पास होते हैं। समझते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता है क्या? एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो सकता। कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई प्रिंस बनेंगे, कोई प्रिंसेस बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बात समझ में आ गई है, तुमको आत्मा समझने में देर नहीं लगती है। आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर धारण करती है। कहेंगे फलाने की आत्मा, नाम फलाने का लेते हैं, तो नाम आत्मा पर पड़ता है या शरीर पर पड़ता है? शरीर पर नाम पड़ता है, आत्मा पर नाम नहीं पड़ता। नाम जरूर फलाने का लेंगे, आत्मा का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आत्मा का नाम क्यों नहीं लेते हैं? काम तो सारा आत्मा करती है, तो नाम भी आत्मा का होना चाहिए। परंतु आत्माएं सब एक जैसी, अंतर तो पता चलता ही नहीं। कहेंगे फलाने की आत्मा इस समय उच्च पद पा रही है, इस समय फलाने की आत्मा माने किसकी आत्मा उच्च पद पा रही है? फलाने का नाम लेंगे, पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी तो फिर माला जरूर बनेगी। आत्माओं की ही माला है, बाबा साहब को समझावेंगे, दिखलावेंगे कि माला में कौन कौन आत्माएं क्या पद पाने वाली है, कैसे ये राजयोग पढ़ रहे हैं। जो ऊंच नंबर वाले होंगे उनको अभी भी जरूर मालूम पड़ता जाएगा। बच्चे जानते हैं कि आत्मा को पार्ट बजाना है, पार्ट बजाने में तुम्हारा नाम रूप देश काल सब बदलता जाएगा। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, क्या नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर के कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी, अच्छे कर्म वालों को अच्छा ही जन्म मिलेगा। जिनमें योग बल नहीं होता है वो समझो कि पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो पद भी कम पावेंगे, फीचर्स तो बदल जाएंगे। जब फीचर्स बदल जाएंगे तो पहचान नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से भी खुशी होगी, बाबा हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, और फिर नामाचार भी पिछाड़ी को होगा। पिछाड़ी को क्यों होगा? अच्छी पढ़ाई पढ़ने वालों का अभी नामाचार क्यों नहीं? क्योंकि अभी माया पछाड़ती रहती है। अब जो जैसा महारथी होगा उनकी अंत में ऐसी ही महिमा निकलेगी। भले के कुल के होंगे परंतु मुरली सबकी डिफरेंट डिफरेंट चलेगी, क्योंकि एक जैसी मुरली फर्स्ट क्लास तो सभी चला न सके।
एक जैसे तो कोई हो ही नहीं सकते। और फिर मुरली चलाने वालों के फीचर्स भी अलग अलग होंगे, हर एक की मुरली भी अलग अलग, तो ये बना बनाया खेल है। अभी बच्चों पर माया का परछावा है, फिर भी सारा मदार बच्चों के कर्मों पर है। ये भी जानते हो कि माँ और बाप जैसा करेंगे तो बच्चे उनसे सीखेंगे। इसलिए लाइफ में बच्चे जानते हैं कि पहले हम अच्छे कर्म नहीं करते थे, अभी भी तुम कर्म सीख रहे हो, जानते हो हम कितना ऊंच पद पावेंगे। बच्चों की सेवा से मालूम तो पड़ जाता है ना, क्या मालूम पड़ जाता है कि चढ़ती कला है या उतरती कला है। चढ़ती कला की क्या निशानी होगी, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। जिनकी चढ़ती कला होगी उनकी ये निशानी होगी, वो दूसरों का भला करने में लगे हुए होंगे। महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रह सकती है, समझ सकते हैं कौन कौन ऊंच पद पाने वाले हैं, कौन कौन मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चों को चांस भी मिलेगा। यहां भी म्यूजियम आदि खुल जाएगा, कहां मुरली कहां चलाई गई थी, माउंट आबू में। उस समय 68 में म्यूजियम नहीं खुला था, एक साल के बाद 69 में वहां म्यूजियम खुला। तो पहले से ही बाबा ने बता दिया है कि यहां भी म्यूजियम खुल जाएगा। बाप भी समझते हैं कि ऊंच पद पाना है तो वही मही मन बना भव का मंत्र देते रहते हैं और अर्थ सहित देते हैं। क्या है अर्थ, मन मना भव का अर्थ क्या है, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, अर्थात मेरे मन में जो संकल्प चलता है वही संकल्प तेरे मन में समाजा, जो बात मेरे मन में सोई बात तेरे मन में। जब संकल्प तक एक हो जाएंगे तो वाचा में और कर्मों में तो भिन्नता हो ही नहीं सकती। तो अर्थ सहित समझाते हैं बच्चे मन मना भव, बच्चे समझते हैं। हमें जो ज्ञान देते हैं वो गीता का ज्ञान है, वो गुरु लोग तो शास्त्र पढ़ करके फिर पढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, बाप तो खुद नॉलेज फुल है, वो तो एक्यूरेट ही नॉलेज देंगे, उनको कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। फिर भी बच्चों की धारणा के ऊपर सारा मदार है। जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं प्रैक्टिकल में आता रहेगा, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। बाप को याद करना और चक्र को याद करना, ये अंतिम जन्म की पढ़ाई, ये पास करके फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। ये भी गायन है कि निश्चय में विजय, तो वो ही जाकर के तुम पद पावेंगे। इन्होंने जैसे निश्चय धारण किया तुम भी निश्चय धारण करो। प्रीति बुद्धि और विप्रीति बुद्धि को बच्चों ने समझा है, भगवान पढ़ाए रहे हैं तो प्रीति बुद्धि बनना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कि आत्मा शरीर धारण करती है, नौकरी आत्मा करती है, धंधा आत्मा करती है, शरीर के द्वारा आत्मा ही पड़ती है। तो ये समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। तो बच्चों को माया से सावधान रहना चाहिए,
जितना सावधान होते जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलता जाएगा और खुशी का पारा भी बढ़ता जाएगा, फिर तुम नया जन्म ले लेंगे। जब नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे, बच्चों ने नए जन्म का साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। दूसरा रात्रि क्लास है 12:69 का। बाप दादा समझते हैं कि जो भी बच्चे हैं बच्चे हैं तो यहां बैठे हैं, अपने माँ बाप के पास आए हैं, यहां बैठे हैं तो जरूर इस बाप को ही याद करते होंगे। घर तो छोड़ा, साथ में सारा परिवार भी छोड़कर आए, आकर के बाप के पास रहे पड़े हैं। इन बच्चों का खाना पीना भी एक घर में, रहना एक घर में, पढ़ाई भी एक घर में, सोना भी एक घर में, फिर याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई क्या? एक ही बाप का खाना, एक ही बाप से पहनना, एक ही बाप के घर में रहना और फिर याद करना दूसरों को। बाप कहते हैं ये तो ठगी हो गई। एक होती है अब व्यभिचारी याद और दूसरी होती है व्यभिचारी याद। माया वायल हो रहा तो सबको देती है, परंतु कोई पुरुषार्थ करते हैं एक की याद में टिकने का, बार बार भूलते हैं तो बार बार क्या करते हैं, हाँ, माया की याद को भुला करके बाप की याद में टिकते हैं। तो बहुतों को याद करना ये तो व्यभिचारी याद है, एक को याद करना वो अब व्यभिचारी याद है। दूसरे अगर याद पड़ते हैं तो वो व्यभिचारी याद तुम्हारा पद नीचा कराए देवेगी, क्योंकि भक्ति है व्यभिचारी और भक्ति आदि में होती है अब व्यभिचारी। द्वापर के आदमी कैसी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति थी। एक शिव की तुम पूजा करते थे, फिर औरों को याद करना वो व्यभिचारी भक्ति हो गई। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, जानते हो कि एक बाप कितना कमाल करते हैं। हमको सारे विश्व का मालिक बनाए देते हैं, और भी धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, परंतु वो ऐसा कमाल नहीं करते क्या कि सारे विश्व की बादशाही अपने फॉलोअर्स को देवे। हमको बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे उस बाप को ही याद करना चाहिए ना। गाते भी है मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा ने क्या गाया, मेरे तो गिरधर गोपार दूसरा न कोई, परंतु वो तो भक्ति मार्ग में थी, गिरधर को याद करती थी, समझती थी कृष्ण भगवान है, तो प्राप्ति तो कुछ भी
कोई नहीं, तुम तो शिव बाबा को याद करते हो। अगर याद पक्की और सच्ची होगी तो प्राप्ति जरूर होगी। बाबा भी कहते हैं हमने पहले पहले शिव बाबा की भक्ति की है, अब व्यभिचारी भक्ति की, फिर अभी देखो व्यभिचारी तक आ गए। अभी बच्चे भी कहते हैं शिव बाबा कब याद नहीं रहता है, वो भक्ति मार्ग में कहते थे हम एक कोई भी भक्ति करेंगे वो ही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन कहा ही नहीं जा सकता, एक को ही पतित पावन कहा जाता है, और वो एक भी ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, क्योंकि बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते थे आप आवेंगे तो आपको याद करेंगे, तो फिर अभी ये याद करने चाहिए ना। भक्ति मार्ग में तो ऐसे कहते थे, अब तो प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है तो एक के सिवाय को दूसरे को याद नहीं करना चाहिए। इन विकारी आत्माओं से तो देवताएं अच्छे हैं, हरेक अपने से पूछे कि हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक विकारी मित्र संबंधियों को याद करते हैं। अभी तो तुमको पवित्र बनना है, पवित्र दुनिया में जाना है, तो एक ही एवर प्योर बाप को याद करना है, एक से ही दिल लगानी है। अगर और तरफ बुद्धि गई तो व्यभिचारी याद हो जाती है। हैं? दो कहाँ हो गए? नहीं, उनको अलग अलग कैसे करेंगे? एक ही बाप मतलब आत्मा का बाप एक ही। वो एक तो है लेकिन वो कुछ करता है क्या? एक अकेला, वो एक अकेला बिंदु कुछ करता है तो किस काम का करेगा? कब? जब साकार में प्रवेश करे तो वो निराकार। आत्मा अकेली कुछ करती है? साकार भी अंदर आ जाता है। हाँ, साकार के अंदर आएगा तब एक कुछ कर पाएगा, नहीं तो वो एक भी कुछ काम का नहीं। तो देखो मित्र संबंधियों को याद किया तो वो विकारी याद हो गई। 12:69 की वाणी का दूसरा पेज, बाप कहते हैं ये सभी खत्म हो जाएंगे। कौन? ये जो मित्र संबंधी आदि हैं जिनकी याद से हमारी व्यभिचारी बुद्धि बन जाती है वो सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए मामेकम याद करो। किसको याद करो? माम एकम। एक हुआ कि दो हुए? जब कहे कि माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, तो मुख से कहेंगे या बिना मुख के कहेंगे? हैं? मुख से कहेंगे तो वो सतमुख हो जाता है। सतमुख माने सन्मुख, मेरे सन्मुख आकर के एक अक्षर भी सुना ज्ञान का तो स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे और पुरानी दुनिया में तुमको सब पुराने व्यभिचारी और विकारी मिलते हैं। ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। नई दुनिया में ये भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाली दुनिया रहेगी ही नहीं। तो अपनी जांच रखनी है कि हम नई दुनिया के लायक बने हैं? नई दुनिया में जाने लायक हमारी बुद्धि मन बना है? मन बुद्धि विचारी विकारी तो नहीं बनती, मन बुद्धि विविचारी तो नहीं बनती, एक बाप की याद में टिकती है, वो पतितों को पावन बनाने वाला है। कोशिश करके औरों की तरफ से बुद्धियोग हटाकर एक ही बाप को याद करना है, और जितना ही तुम एक बाप को याद करेंगे उतना ही तुम्हारी पाप कटेंगे।
एक के साथ कोई दूजम को यद किया तो क्या होगा, कटेंगे कि बढ़ेंगे? पाप बढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाबा को याद करने की दरकार है? हैं? बाबा को तो याद करने की दरकार ही नहीं। बाबा तो मासूक है ही नहीं, वो आशुक बनता ही नहीं। बाबा तो क्या है, मासूक है। उनको याद करने की क्या दरकार? तुम मासूक को याद करते हो। तो ऐसे नहीं कि हम एक बाप को याद नहीं कर सकते हैं। बाप को कोई पाप थोड़े ही है जो पाप काटने पड़े। पतित पावन तो है ही एक, वो निष्पाप है, न पुण्य करता है न पाप करता है, वो है ही अकर्ता। अकर्ता माने पुण्य भी नहीं करता, पाप भी नहीं करता। क्यों नहीं होता ऐसा? उससे पुण्य या पाप है तो वो भी आत्मा, आता तो वो भी शरीर में है। सुप्रीम सोल है तो क्यों नहीं? सोल तो है ना, शरीर में तो आता है ना, पते शरीर में आता है ना, तो फिर हाँ है। बिंदी का नाम शिव कर को बोला था, बिंदी का नाम शिव है। बाप का नाम रूप, बाप का नाम रूप शिव, ज्योति बिंदु। बिंदी का नाम, बिंदी का नाम शिव है। मेरा बिंदी का नाम शिव, मेरी बिंदी का नाम शिव है। बाप का नाम, मैं बाप हूँ आत्माओं का। मेरी बिंदी का नाम शिव है, परंतु मैं बिंदी जब साकार शरीर में आती हूँ तो भी मेरे को पाप पाप नहीं लगता। ये क्या बात है? वो वाणी में बोला, नाम नहीं दे सकता, रूप भी नहीं दे सकता, नाम रूप नहीं दे सकता। हाँ, मेरे में ये खासियत है कि मेरे को संग का रंग नहीं लगता, और तुमको, तुमको 63 जन्म की आदि है, अभ्यास पड़ा हुआ है। क्या अभ्यास पड़ा हुआ है? बच्चा पैदा होगा तो अम्मा को याद करेगा, बड़ा होगा मित्र संबंधियों को याद करेगा, माँ को भूलने लगेगा, और बड़ा होगा टीचर को याद करने लग पड़ेगा, और बड़ा होगा ट्रेनिंग स्कूल में जाएगा तो वहाँ के मित्र संबंधी याद आवेंगे, शादी हो जाएगी तो पत्नी को याद करने लग पड़ेगा, बच्चे पैदा होंगे बच्चों को याद करने लग पड़ेगा। तो याद करने का अभ्यास ही हो पड़े। किसको याद करने के? देहधारियों को याद करने के। और मैं तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता। जब मैं चक्र में ही नहीं आता तो मुझे कोई अभ्यास है ही नहीं। मैं तो सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूँ। हाँ, नाम मेरा है शिव, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, और मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं होता। तुम जब शरीर में प्रवेश करेंगे, कोई शरीर के द्वारा कर्म करेंगे तो तुम्हारा नाम होता है। मेरा नाम मेरी आत्मा का ही है और वो कभी बदलता भी नहीं है। लेकिन जैसे शरीर में प्रवेश करता हूँ फिर वैसा मेरा नाम रख देते हैं। तो बाप तो एक ही पावन है, एक ही पतित पावन है, समझते हैं। वो गुरु लोग समझते हैं कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। जब 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं तो भगवान को याद करने की अभी से क्या दरकार है? कर लेंगे कभी भी, अभी क्यों याद करें? जब बाप आवेंगे, डायरेक्शन देवेंगे, गीता ज्ञान सुनावेंगे, तब देखा जाएगा। अभी तुम यहां बैठे हो पावन बनने के लिए, जानते हो शिव बाबा तो यहां आया हुआ है, लोन लिया हुआ है,
परंतु उनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम्हारी बाप से ये प्रतिज्ञा है, बाबा आप आवेंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अपने दिल से पूछते रहो कि हम नई दुनिया के मालिक बनने लायक पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये तो जानते हैं। बुद्धि की लिंक बाप से टूट जाती है, बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे फिर टूटेगी। जो जितना बाप को याद करेंगे, याद करते करते पाप तो कटेंगे, फिर नंबर बार पुरुषार्थ अंतार्थ तो करते ही हैं। अच्छी सीटी आदमी रहे तो डायनेस्टी में आ जाएंगे। तो अपनी जांच करते रहो, अपने पास सदैव डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धियोग कहाँ कहाँ गया, फिर बाबा को बताओ, बाबा समझावेंगे। ये तो ठीक बात है, 5 मिनट 10 मिनट याद में रहे, बाकी समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ रही, देखो तो बाबा साहब बता देंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती जरूर है, आत्मा नहीं भागती है, मन भागता है, आत्मा अलग है। नहीं, मन बुद्धि में संस्कार भरे हुए हैं, मन भी है बुद्धि भी है, और मन बुद्धि में पूर्व जन्म के इस जन्म के संस्कार भी भरे हुए हैं, तीनों मिलकर के फिर आत्मा कही जाती है। मनुष्य की आत्मा का अंतर क्या है देवताओं से? मनुष्य की आत्मा भागने वाली है, चंचल है, और देवात्मा है निश्चल है, हिलती डुलती नहीं है, भागती नहीं है, ये अंतर है। उनका मन चंचल और देवताओं का मन अचल, ये अंतर है। और शिव बाबा न चंचल मन वाला है, न उसको अचल बनने की जरूरत है, वो तो सदैव अमन है। क्या? जैसे उनको मन है ही नहीं, उनको संकल्प विकल्प करने की दरकार है? है नहीं? तो देखो, एक को याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। तो याद करना है मुख्य एक को, इस बात में अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है कि हमको एक बाप को याद करना है। अरे उन संबंधियों को, देहधारियों को, देह के संबंधियों को तो 84 जन्म याद किया, फिर क्या हुआ? हैं? हाँ, 84 जन्म याद किया, फिर रिजल्ट क्या हुआ? घाटा ही घाटा पाया। चाहे सत्युग में याद किया, चाहे त्रेता में याद किया, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में, रिजल्ट क्या हुआ? नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे गिरे। दिन प्रतिदिन घाटा पड़ता रहा, एक एक दिन करते करते 5-4 वर्ष घाटा ही घाटा हो गया। कदम कदम पर फायदा होने के बदली और ही घाटा होता गया, कमती होता जाता है ना। आत्मा की कलाएं गिरती गई, घटती गई, या ठहर गई, या बढ़ गई, गिरती गई। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके ज्ञान रतन बुद्धि से निकालने चाहिए, बाप की याद में एकाग्र चित्र होकर के लगना है। कोई बाड़े आदि का काम करते हैं, कारपेंटरी का, तो बुद्धि उसमें लगी रहती है। तो ऐसी ऐसी बातें अपन से करते रहो, नहीं तो माया ऐसा विचार लावेगी, सोचेंगे कि यहाँ क्या रखा है, जाकर के कुछ धंधा आदि करें, कमाई करें,
कुछ रोटी और कपड़ा मकान और अच्छे अच्छे मिलेंगे, कौड़ियां कमाने की वासना आने लग पड़ती है। ऐसे ऐसे ख्याल माया लावेगी। माया कैसे ख्याल लावेगी है कि अच्छा खावे, अच्छा पहने और अच्छे अच्छे मकान में रहें। उसके लिए क्या करना पड़े, दुनियावी धंधा दौरी करना पड़े। तो ये धंधा दौरी के ख्याल माया लावेगी। धनवान को तो बहुत ही ऐसे विचार आते हैं। बाबा क्या करे, ये बाबा का, ब्रह्मा बाबा का कितना अच्छा धंधा था, कहीं भी धक्के आदि खाने की भी दरकार नहीं थी। टेबल पर बैठे व्यापारी से हीरे छांट छांट कर लेते थे। बाबा की यही हावी थी, छांट करके दरवानों को देते थे, इनको बेच करके आओ, उसमें रोशनी चाहिए। रात्रि को कोई भी हीरे की चीज नहीं लेंगे। शाम हुई और ये भागे। समझते थे शाम को कौन आवेगा मेरे पास। चाय पीने का टाइम होता था 5 बजे शाम को, चाय पिया और भागा, गए मैच पर, क्रिकेट पर जावेंगे। बहुत हावी थी क्रिकेट देखने की। ये कोई से हीरा लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले ये लो बताओ, व्यापारी हो या एजेंट हो, कौन हो। बाबा ने अपने धंधे की हिस्ट्री बताई। तो इसमें भी बुद्धियोग बाप से रखना है। किसमें, ईश्वरी धंधे में भी बुद्धियोग बाप के साथ रखना है। तुम सभी मेहनत करते हो, ये भी मेहनत करता है, बाप का ही परिचय देना है। दो बाप का वर्षा है। क्या कहा, अभी कलयुग पूरा होता है, सतयुग आता है, पतित हो सतयुग में जावेंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा बहुत अच्छी होगी। क्या कहा, जितना पवित्र बनेंगे उसे फायदा क्या होगा, ज्ञान की और गुणों की धारणा बहुत अच्छी होगी। पतित याद ही नहीं कर सकेंगे, उनको धारणा भी नहीं होगी। कोई क्यों तकदीर अनुसार समय मिलता है पुरुषार्थ करते हैं, तो कोई नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल पहले की है उतनी करते हैं। याद तो नंबरवार होती है, हर एक को अपने मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा, जो कल पहले हुआ वो ही होगा। ऐसे नहीं, अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती याद करेंगे, नहीं, शिक्षा जी जाती है। अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। जितना बाबा की याद कम उतना ही माया मत। याद है तो श्रीमत है, और याद नहीं आती है तो किसकी मत पर है, माया की मत पर है। तो तुम वास्तव में परवश हो। अभी ईश्वर बाप अपने बस में करते हैं, ये खेल है जो बाप समझाते हैं, परवश और ईश्वरीय बस होने का। बुद्धि कहाँ कहाँ माया भगाए ले जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। तुम्हारा मल्ल युद्ध है माया के साथ। अच्छा, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।